दोस्तों जब आप लोग मार्केट में फोन खरीदते हैं तब एक मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 5G फोन किस ब्रांड में खरीदें। ये कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि जब आप कहीं भी फोन लेने जाते हैं तो इतने सारे ब्रांड आपके सामने रख दिए जाते हैं फोन के, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा ब्रांड है। आज इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि जितने भी ब्रांड लाइक सैमसंग, रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स, वीवो, आईक्यू, मोटोरोला, पोको, या फिर जो भी रहे बच्चे कुछ ब्रांड है, उनमें से 5G फोन लगभग सभी कंपनियों ने लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर है, इन कंपनी में से कौन सा फोन लें जो कि 15,000 रुपए नीचे एक बेस्ट 5G फोन बन जाए और आपके हाथों में काफी अच्छा वर्क करे। साथ में 5G फोन ही नहीं, उसका प्रोसेसर लेकर बाकी बैटरी बैकअप तक सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो काफी इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, वीडियो काफी नॉलेजेबल वाली होने वाली है। आज इस वीडियो में बेस्ट फोन परचेस कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी नॉलेज में, वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक का टारगेट रखते हैं केवल 500 लाइक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो ब्रांड लिए हैं, सबसे पहले आपको उन सभी ब्रांड के नाम बताते हैं, जैसे कि सैमसंग है, रियलमी है, रेडमी है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, आईक्यू है, मोटोरोला है, पोको है। इनमें से सभी ब्रांड तो आपको पसंद नहीं आ सकते हैं, बट जिस ब्रांड का फोन आपको पसंद आए उसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं और उसके फीचर्स को, उसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग में अंडर 15,000, हम जो भी स्मार्टफोन की बात करेंगे वो सब 15,000 रुपए के नीचे है, एवरेज 15,000 रुपए के आसपास होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग का, तो सैमसंग हमने दो ऐसे फोन लिए हैं जो 5G के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस भी देते हैं, बेस्ट बैटरी बैकअप भी देते हैं। जी हाँ, सैमसंग का है M14 5G, ये 14,000 रुपए के आसपास प्राइस में आ जाता है, 100-200 का भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर कभी कम हो जाते हैं। अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट में खरीदेंगे तो आपको एक बेस्ट रेट भी देखने को मिल जाएगा। M14 5G एक बेस्ट फोन है, 6,000 mAh की बैटरी बैकअप से आता है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप इस फोन का। और यहाँ पर इसी लिस्ट में सैमसंग की एक थोड़ा सा पुराना फोन है F23 5G, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 755G प्रोसेस देखने को मिल जाता है। ये फोन भी काफी ठीक ठाक है, प्लास्टिक बैग के साथ आता है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोनों फोन सैमसंग की तरफ से बेस्ट है। सेकंड नंबर पर आता है रियलमी। रियलमी में तो वैसे बहुत सारे फोन अच्छे हैं, लेकिन वो 20,000 रुपए के आसपास अच्छे लगे हैं मुझे। कहीं ना कहीं रियलमी के फोन कम पसंद आए हैं 5G की लिस्ट में बात करते हैं। वैसे एक फोन है रियलमी 9i 5G, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन 5G के लिए अंडर 15,000 रियलमी में नहीं है, इसलिए बात करते हैं थर्ड नंबर की लिस्ट में रेडमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी और रेडमी कहीं ना कहीं एक जैसे सिमिलर फोन दे देते हैं कभी कभी, तो उस वजह से रेडमी की लिस्ट अगर हम बात करते हैं तो रेडमी का Note 12 5G जिसकी कीमत 17,000 रुपए है और TMC यानी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर सप्लाई करके वहां पर 15,000 रुपए दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि फोन 15,000 रुपए के नीचे आ सकता है, लेकिन आप इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा होता है TMC ऑफर्स अप्लाइड, यानी सभी कुछ ऑफर्स आपको लगाकर तब ये 15,000 रुपए पड़ेगा। आप सारे ऑफर्स चेक कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफर या फिर फलाना ठिकाना जो भी ऑफर्स है। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर भी मुझे कोई 15,000 रुपए के नीचे जो हो वो ऐसा फोन नहीं लगा है। तो आपका अगर बजट थोड़ा सा 15 से 16 के आसपास है तो रेडमी का Note 12 5G बेस्ट फोन है, स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन के साथ आता है, काफी अच्छा है, पर ये प्रोसेसर से आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगर बात करते हैं नेक्स्ट तो यहाँ पर है इन्फिनिक्स। जी हाँ, इन्फिनिक्स की तरफ से काफी अच्छे फोन आने लगे हैं और मैं अब इन्फिनिक्स के फोन भी आपके सामने लेकर आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि इन्फिनिक्स फोन कैसे होने वाले हैं आगे जो भी हमारी वीडियो आएगी। इन्फिनिक्स में 15,000 रुपए इंच दो जबरदस्त फोन आ रहे हैं, Note 12 Pro 5G ये थोड़ा सा ऊपर है, 16,000 के आसपास हो सकता है, लेकिन आप ऑफर्स वगैरह लगा 15 में ले सकते हैं, ये हमेशा आपको मिल जाएगा। 16,000 का है रेडमी का Note 12 Pro 5G। और एक और फोन है यहाँ पर 05G, इन्फिनिक्स 05G 2023 एडिशन, 14,000 से 15,000 रुपए के आसपास प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग ऊपर नहीं सकते, काफी अच्छे कलर वेरियंट्स आ जाता है, 5G एकदम बेस्ट रन करने वाला है और यहाँ पर आपको काफी अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन्फिनिक्स का 05G का आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन है, कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, जरूर चेकआउट करें। बाकी यहाँ पर बात करते हैं वीवो की लिस्ट में, तो वीवो में भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला मेरे पास फोन है, वीवो टी वन एक्स में स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर है, इसको मैंने हाथों हाथ चलाकर देखा है इस फोन को, सॉरी वीवो टी टू एक्स, इसकी जो प्राइसिंग है वो 13,000 रुपए है और 13,000 रुपए की प्राइसिंग में मैं इस फोन को चेकआउट किया है, मुझे ये फोन काफी ठीक लग रहा है। डिजाइन की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये फोन काफी हैंड पैक आप इसे यूज कर
कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट फोन है, स्लिम फोन है, तो आप इसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। 15,000 रुपये इनके बेस्ट फोन है। इनमें आप गेमिंग नहीं कर सकते, मैं आपको सीधा यहाँ पर बता रहा हूँ, ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी ये फोन नहीं है, ये आप डेली पर्पज यूज के लिए देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा आईक्यू की लिस्ट में, यहाँ आईक्यू की तरफ से आता है Z6 Lite 5G, ये 14,000 रुपये की प्राइसिंग में आता है और ये बेस्ट 5G फोन है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं आईक्यू की तरफ से। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी लिस्ट है थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता है, Motorola Z62 5G, 14,000 से 15,000 रुपए की प्राइसिंग में आ जाएगा। और ये Motorola की तरफ से जबरदस्त फोन है, इसमें बैटरी बैकअप से लेकर बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, मॉडल्स, कैमरा फीचर सब कुछ अच्छे हैं, एकदम क्लीन हुआ है, देखने को मिल जाएगा। तो आप Motorola का फोन भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, Moto G62 5G। इस लिस्ट में हमने पोको को सबसे नीचे रखा है क्योंकि मैं भूल गया था, इसलिए बाकी लिस्ट में कोई ऊपर नीचे नहीं है। पोको की लिस्ट में अगर बात करते हैं तो मैंने दो फोन यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले 15,000 रुपए इनसे सबसे कम बजट वाला फोन Poco M4 Pro 5G, Poco M4 Pro 5G का फोन को चेकआउट कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में के लिए आपका काफी ठीक फोन है। और इन सभी फोन का रिव्यू से पहले आप अगर बैंड जरूर चेक करिए कि आपका 5G किस बैंड पर रन कर रहा है और फोन में वो बैंड्स हैं या नहीं। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे यानी कि जब किसी भी फोन का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहां पर आपको 5G देखने को मिल जाएगा, और इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा है पोको में, Poco X5 5G, थोड़ा सा महंगा फोन है, 16,000 रुपए के आसपास आता है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में इसको इसलिए रखा है अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं तो 15,200 के आसपास ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा अपडेट आप कर सकते हैं Poco M4 Pro से, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं और नया फोन है Poco X5 5G 16,000 रुपए प्राइसिंग में आता है। ये जो पूरी लिस्ट आपने देखी है, लगभग कोई फोन अगर छूट गया हो तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लगभग मैंने पूरा कोशिश किया लिस्ट बनाने का, लेकिन पोको का जो ये फोन है मुझे ठीक लगा है। इस लिस्ट में अगर हम और फोन से बात करते हैं तो अगर आप बहुत ही नॉर्मल यूजर्स हैं बट आपको 5G फोन चाहिए जिससे आप अनलिमिटेड नेट यूज कर सकें तो M14 5G काफी अच्छी बैटरी बैकअप से आता है, 2 दिन तक ये बैटरी बैकअप को दे देगा बहुत ही इजीली से। बाकी यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं Vivo का T1X, Infinix का 05G एंड यहां पर iQOO का Z6 Lite 5G, बट दो फोन यहां पर मुझे ज्यादा बेटर लगे हैं, Infinix का 05G, Samsung का M14 5G जिसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, और एक Motorola भी आप देखते हैं Moto G62 5G। आई थिंक आज इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए एंड करते हैं आज इस वीडियो को यहीं पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।